हेलो फ्रेंड, जस्ट एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज तारीख है 26 दिसंबर 2019 और आज तक जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते थे वो सभी अभी आपके लिए हम इसमें लेके आए हैं। ये जो हमारा वीडियो है ये एक प्रैक्टिस टेस्ट की तरह से होता है, क्योंकि आपने सुबह से अब तक बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स के वीडियोज़ देख लिए होंगे और उम्मीद है कि आपको उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिप्शन तो हम नहीं देंगे, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन देंगे और चार ऑप्शन देंगे, और आपको इस चीज़ का भी पता चल जाएगा कि आपने जितने भी आज सुबह से वीडियो देखे हैं उनमें से कितने क्वेश्चंस को आप याद कर पाए और कितने नहीं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएँ ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मैनुअल मरीरो क्रूज किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है ए स्वीडन, बी सीरिया, सी क्यूबा या डी रोमानिया। और यहाँ जो राइट आंसर है वह है सी क्यूबा। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी राजस्थान या डी तेलंगाना। और यहाँ जो राइट आंसर है वह है सी राजस्थान। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस योजना की अवधि को 2 वर्ष और बढ़ाने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए मुद्रा योजना, बी वृद्ध पेंशन योजना, सी बाल विकास योजना या डी अमृत योजना। और यहाँ जो राइट आंसर है वह है डी अमृत योजना। अगला प्रश्न है, किस देश के 21 अधिकारियों को भारत प्रशिक्षण दे रहा है? ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी नेपाल या डी श्रीलंका। और यहाँ जो राइट आंसर है वह है सी नेपाल। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रदेश सरकार ने जल साथी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस हैं ए ओडिशा, बी गोवा, सी महाराष्ट्र या डी तमिलनाडु। और यहाँ जो राइट आंसर है वह है ए ओडिशा। अगला प्रश्न, किसको संस्कृत में योगदान के लिए बांग्लादेश में सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए आर नागास्वामी, बी पी चंद्रशेखर, सी वासु सैनी या डी जगन्नाथ मिश्र। यहाँ जो राइट आंसर है वो है ए आर नागास्वामी। अगला प्रश्न है, किस देश ने स्पेस फोर्स का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी जापान, सी अमेरिका या डी स्वीडन। और यहाँ जो राइट आंसर है वो है सी अमेरिका। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 21 दिसंबर, बी 22 दिसंबर, सी 23 दिसंबर या डी 24 दिसंबर। और यहाँ जो राइट आंसर है वो है सी 23 दिसंबर। अगला प्रश्न है, अमेरिका में FCC की पहली महिला CTO किसे बनाया गया है? ऑप्शंस हैं ए सृष्टि जैन, बी दीप्ति नवल, सी मोनिशा घोष या डी राशि गौतम। और यहाँ जो राइट आंसर है वो है सी मोनिशा घोष। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2019 किसने जीता है? ऑप्शंस हैं ए मीराबा लोवांग, बी अंकित कुमार, सी राधेश्याम सिंह या डी जुगवंदर पाठक। और यहाँ जो राइट आंसर है वह है ए मीराबा लोवांग। अगला प्रश्न, जूनियर रेसलर ऑफ द ईयर UWW द्वारा किसे घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए योगेश वलदत्त, बी PN पुनिया, सी दीपक पुनिया या डी बजरंग पुनिया। और यहाँ जो आंसर है वह है सी दीपक पुनिया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कार्यक्रम इको नेटवर्क का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ऑप्शंस हैं ए कोची, बी नई दिल्ली, सी अमरावती या डी इंदौर। और यहाँ जो राइट आंसर है वह है बी नई दिल्ली। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? ऑप्शंस हैं ए वसीम खान, बी इकबाल सिंह, सी सईद मिर्जा या डी गुलजार अहमद। और यहाँ जो राइट आंसर है वह है डी गुलजार अहमद। अगला प्रश्न है, विप्रो कंपनी ने छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस हैं ए नेस्कॉम, बी व्हाट्सएप, सी अमेजॉन या डी फेसबुक। और यहाँ जो राइट आंसर है वह है ए नेस्कॉम। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया का मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह,
सी वेंकैया नायडू या डी रामनाथ कोविंद। और यहाँ जो राइट आंसर है वो है डी रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, ITF का वर्ष 2019 का वर्ल्ड चैंपियन खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ए रोजर फेडरर, बी राफेल नडाल, सी रॉबर्ट फर्रा या डी उसेन बोल्ट। और यहाँ जो राइट आंसर है वो है बी राफेल नडाल। अगला प्रश्न है, किस फिल्म अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए दिलीप कुमार, बी अमिताभ बच्चन, सी मौसमी चटर्जी या डी उत्पल दत्त। और यहाँ जो राइट आंसर है वो है बी अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है, टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन है ए हर्षवर्धन सिंह, बी रामनाथ कोविंद, सी नरेंद्र मोदी या डी वेंकैया नायडू। यहाँ जो राइट आंसर है वो है डी वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं? ऑप्शन है ए UAE, बी ईरान, सी इराक या डी कुवैत। और यहाँ जो राइट आंसर है वो है बी ईरान। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रदेश सरकार ने हथकरघा बुनकरों के लिए एक नई योजना शुरू की है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना या डी हरियाणा। और यहाँ जो राइट आंसर है वो है बी आंध्र प्रदेश। तो ये था हमारे आज के 20 प्रश्न जो हमने 26 दिसंबर 2019 तक के लिए लिए हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे और आप इनमें से 20 में से उम्मीद है आपने 20 के 20 के उत्तर दे दिए होंगे। यदि नहीं दिए तो भी आपको इनके उत्तर पता चल गए और आपको इनकी जानकारी प्राप्त हो गई। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप एजुकेशन ग्रुप पे इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।